या सोल गॉब्लिन की बात कर ली जाए, ट्रेड निकालना चाहते हैं अच्छी तरीके से, जो फाइट्स वो भी लेना चाहते हैं, बट ओ माय गॉड नियो यहाँ पर उड़ती हुई व्हीकल यहाँ पर लेकर जाएंगे। लेकिन इन सोल के तरफ से जो नाथन के ऊपर हल्का फुल्का जो डैमेज है वो देखने को मिलेगा, अक्षत के ऊपर जो शॉट्स है ये टीम लेती हुई नजर आ रही है, जोनाथन ने जरूर स्पॉट आउट करा है, लेकिन गॉब्लिन नियो पर जो है पूरी तरीके से प्रहार करेंगे, जिसके चलते एक बार फिर से आमने सामने ये दोनों दिग्गज टीमें टीम सोल वर्सेस टीम गॉडलाइक यहाँ पर इनिशिएट होता नजर आ रहा है। गॉब्लिन टेक डाउन कर देंगे नियो को, लेकिन क्या जोनाथन बचा पाने में सक्षम हो पाएंगे? बट फिलहाल अभी के लिए खुद को बचाना एक बहुत बड़ा टास्क इनका कर आ रहा है, क्योंकि टीम सोल के प्लेयर्स एनक्लोजर कर रहे हैं, लेकिन गिल का ये ऑफ गार्ड एंगल कर देगा और ओमेगा को टेक डाउन, जिसके चलते ये फाइट को डिले आउट करते नजर आ रहा है ये प्लेयर। और टीम गॉडलाइक वर्सेस टीम सोल एक ऐसी सिचुएशंस में आगे खड़ा है जहां पर कोई भी टीम का जिसकी मतलब एक बिल्कुल जो पल रहा है ना वो दोनों ही टीम का बराबर सा है बोला जा सकता है। लेकिन हेक्टर आगे जाएंगे, जोनाथन को करेंगे टेक डाउन एक 1v1 के ट्रेड में, और टीम सोल एक बार वापस इस फाइट में अपर हैंड लेती नजर आ रही है। यहाँ पे काफी बेहतरीन तरह से अपर हैंड थ्रू स्टिंग, लेकिन गॉडल यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलों में हमें जरूर से नजर आ रही है। फिलहाल के लिए आई बिलीव इन मुश्किलों का सामना अगर आप कर पाए तो वो ज्यादा बेहतर, वरना एलिमिनेशन यू कांट अफोर्ड, क्योंकि आज मैचेस टीम गॉडलाइक के काफी ज्यादा बेहतरीन गए हैं। यहाँ से अगर आखिरी मैच अच्छा जाता है तो ओवरऑल स्टैंडिंग्स में खुद को काफी बेहतरीन पोजिशन पे पाएंगे, बट अभी भी गिल एंड नियो हमें जरूर से नजर आ रही है। लेट्स सी कि गिल यहाँ पे क्या कमाल करके दिखा पाएंगे, बल्कि गिल को भी पिक ऑफ कर जाएगा एस पावर एंड नियो पे। अब सारा दारोमदार हमें कहने के यहाँ पे देखने को जरूर मिल रहा है। लेट्स सी कि अब यहाँ पे प्लेयर्स एंड टीम्स का क्या अप्रोच निकल के आता है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर नियो के ऊपर भी जो शॉट्स है वो लिए जा रहे हैं, अक्षत यहाँ पर एक चीकी एंगल से यहाँ पर शॉट लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ टीम सेल्स के प्लेयर्स भी जो कनेक्शन है वो बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन एस पावर के हाथ में एक बार वापस है ग्रेनेड, क्या ये ग्रेनेड अक्षत की दिक्कतें बढ़ाएगा? जी नहीं, अक्षत एक सही टाइम पे यहाँ पर पीछे हटेंगे, अन्यथा यहाँ पर मुश्किल में यहाँ पर फंस जाते हैं। लेकिन एस पावर वेट कर रहे हैं, हायर ग्राउंड का एडवांटेज उठाना चाहते हैं, अपनी एक के साथ थोड़ा सा सप्रेस जरूर करना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे, सप्रेसर लगा हुआ है, रेड डॉट लगा हुआ है, एक एक करके आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा एक गलती सी अनवांटेड पीक या एक छोटी सी मिस्टेक टीम गॉडलाइक को इस मैच से काफी ज्यादा दूर लेके जा सकती है। और टीम सोल के प्लेयर्स अभी के लिए गॉब्लिन का ये ग्रेनेड आए ग्राउंड से इस पावर की दिक्कतें बढ़ाएगा। नियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीछे हैं, लेकिन कवर फायर देना होगा, लेकिन नियो ने काफी ज्यादा डैमेज ले लिया अपने ऊपर, इस पावर भी कर दिए जाएंगे फिनिश ऑफ, और टीम गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स इस मैच से जो एलिमिनेट है वो कर दी जाएगी।